ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, ए कन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 देन इट्स पावर। इसका अर्थ हुआ, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 को पानी जिसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.33 में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी क्षमता होगी। ठीक है, पी पूछ रहा है। तब अब देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। हम जानते हैं लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/F बराबर μ2/μ1-1 into 1/r1-1/r2। अब यदि हवा के लिए लिखे, यदि लेंस को हवा में रखते हैं तो लिख देते हैं, इसकी मान लीजिए फोकस दूरी एफ ए हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1/FA बराबर, चूँकि यहाँ पर जो ग्लास दिया है, लेंस दिया, उसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 और हवा का अपवर्तनांक होता है 1। तो फार्मूला के अनुसार बैठाएंगे, μ2 की जगह पर लिखेंगे 1.5 और μ1 की जगह पर 1-1 into 1/r1-1/r2। इसको घटा कर लिखें तो हो गया है 0.5 into 1/r1-1/r2। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसको लेंस को जल में डुबा देते हैं, तो जल में डुबाएंगे तो लेंस का अपवर्तनांक जो होगा 1.5 ही रहेगा, लेकिन जल का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। अब फिर फार्मूला रखेंगे, 1/FW लिख दिए यहाँ पर, यह जल में फोकस दूरी के लिए लिखा गया है, तो इसको बनाएंगे और फिर 1/r1-1/r2 इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो घटाने के बाद हमारा जो प्राप्त हो रहा है वो जाएगा 1/W बराबर 0.2127 इंटू 1/r1-1/r2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को भाग दे देते हैं, 1 और 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 1/FA/1/FW बराबर 0.5 इंटू 1/r1-1/r2 और फिर बटा 0.125 इंटू 1/r1-1/r2। 1/r1-1/r2 से यह कट जाएगा तो बच जाएगा 0.5/0.125। इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा FW/FA। तो यहाँ से FW का जो मान निकालेंगे वह हो जाएगा 4FA, अर्थात जब लेंस हवा में था तो उससे 4 गुना बढ़ जाएगा यदि जल में डुबाते हैं तब। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी, तो इसकी क्षमता चूँकि P निकालेंगे, P बराबर होता है 1/F, तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता इसका घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोकस दूरी 4 गुना बढ़ गया है, इसका अर्थ यह है कि यह घट जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, डिक्रीजेज, घट जाता है जब उसे जल में डुबाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दी रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर ऑफ बोथ दी सरफेस ऑफ ए लेंस आर इक्वल एंड दी रिफ्रैक्शन ऑफ दी मीडियम ऑफ लेंस इज 1.5। दी फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस विल बी, एक लेंस के दोनों सतह की वक्रता त्रिज्याएं आर है तथा समान लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों सतह जो है आर है, तो मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस है जिसका त्रिज्या समान है, R1 और R2 जो है दोनों सेम हैं, तो R1 जो है इस राइट साइड में होगा जिसके कारण इसका मान पॉजिटिव में होगा और R2 जो है लेफ्ट साइड में आ रहा है, दूसरा सतह है, इसका मान माइनस में होगा। लेकिन R1 और R2 दोनों बराबर है इसलिए कह सकते हैं R1 बराबर R2। ठीक है, तो या तो R1 लिखे, नहीं तो R2 लिखे, नहीं तो R लिखे। तो हम जानते हैं फार्मूला 1/F बराबर होता है μ2/μ1-1 इंटू 1/r1-1/r2। अब μ2 जो है यहाँ अपवर्तनांक दिया है लेंस का, लेंस का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5 और फिर हवा में रख रहे हैं तो μ1 का मान हो जाएगा 1 और -1 इंटू 1/r1-1/r2 और
यहाँ R2 की जगह पर R1 रखेंगे और उसका मान निगेटिव में होगा, तो इस तरह से ये जुट जाएगा और जुटेगा तो हो जाएगा 2 बाई R1। और इसको जब घटा देंगे 0.5 में से एक को तो हो जाएगा 0.5, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा एक, तो 1 बाई F1 बराबर हो जाएगा 1 बाई R1। इस तरह से यह निकलेगा तो हो जाएगा F बराबर R1, अर्थात जितना उसकी त्रिज्या होगी उतना ही इसका फोकस दूरी हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लस या माइनस आर वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू थिन लेंसेस हुज फोकल लेंथ आर एफ वन एंड एफ टू आर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर द फार्मूला फॉर द फोकल लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट लेंसेज। जब दो लेंस जिसकी फोकस दूरी F1 और F2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, यदि दो लेंस d दूरी से अलग हो तो इसके लिए फार्मूला होता है F बराबर 1 बाई F बराबर होता है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस d बाई F1 इंटू F2। तो इस फार्मूला को यदि ठीक से लिखा जाए तो राइट आंसर जो हो जाएगा D हो जाएगा, नॉन ऑफ दिज, क्योंकि यह फार्मूला जो है इसमें कहीं भी मिल नहीं रहा है। तो 1 बाई F बराबर होता है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D बाई F1 इंटू F2, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ टू कन्वेक्स लेंस विच आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एज। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के संपर्क में है का समतुल्य लेंस होगा। तो दो लेंस यदि उत्तल है और इसको एक साथ सटा कर रखते हैं तो इसके फोकस दूरी निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आता है इसका अर्थ है कि यह उत्तल ही रहेगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द पावर ऑफ एन इक्विवेलेंट लेंस फॉर्म्ड बाई कंबाइनिंग टू लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंस के संयोजन से बने समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी। तो हम जानते हैं फार्मूला 1 बाई एफ बराबर होता है 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू। यदि दो लेंस दिया रहे और कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी दे दिया है 20 और 40, तब यहाँ पर ध्यान देंगे 20 और 40 रखेंगे और इसका एलसीएम निकाल करके बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 20। इसका एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा 40 और फिर हो जाएगा 1 प्लस 2। तो f का मान जो निकलेगा f बराबर हो जाएगा 40 बटा 3। अब कह रहा है कि इसमें पावर आपको निकालना है, ठीक है, तो P बराबर होता है 1 बाई F। तो F का मान यदि P का मान निकाले तो हो जाएगा 3 बटा 40। अब देख लेंगे कि इसमें कितना आंसर सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, तो P निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा, तो देखिएगा इसका मान आ जाएगा 0.075 और 100 से गुना कर देंगे जो कि सेंटीमीटर में दिया है तो हो जाएगा आपका 0.75 डायोप्टर। ठीक है, लेकिन यदि यह लेंस अवतल दिया रहे और एक उत्तल रहे तो हम यहाँ पर प्लस नहीं करके माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1/40, और जब पी का मान निकालेंगे तो 1/40 और 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2.5। तो इसमें यदि उत्तल अवतल की चर्चा नहीं किया है, यदि यह दो लेंस रहे उत्तल और अवतल तो हो जाएगा राइट आंसर बी, और इस तरह से दोनों यदि अवतल है उत्तल है तो हो जाएगा 7.5 डायोप्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है धूप चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायोप्टर, इसको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है एक लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। पी बराबर होता है 1/F और F का मान दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में रहेगा तो 100 हो जाता है ऊपर तो हो जाएगा 100/25, कट जाएगा तो हो जाएगा 4, तो 4 डायोप्टर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब उत्तल लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, तो जल में डुबाते हैं उसकी क्षमता बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। थैंक यू।